घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? चाहते हैं नए सितारों को मौका? आखिर क्या है सुकुमार का गेम प्लान? कौन सी एक्ट्रेस मचाएगी पुष्पा दी रूल में तहलका? दोस्तों, पुष्पा दी राइज में एक्टर अल्लू अर्जुन की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को खूब एक्साइटेड कर दिया था और अब फैंस ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि आखिर कैसा होता है पुष्पा का एक्चुअल फ्यूचर। मूवी के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ पुष्पा की एक छोटी सी जर्नी दिखाई गई थी, लेकिन एक्चुअल पिक्चर तो अभी बाकी है बॉस। फिल्म के सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा कि आखिर पुष्पा का एंड रिजल्ट क्या होता है और कैसी है उसकी रूलिंग स्ट्रैटेजीज। पुष्पा दी रूल ने ऑलरेडी फैंस के दिलों की धड़कन को बढ़ा रखा है और हम जानते हैं कि आप फिल्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी डिटेल जानने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, वरी नॉट, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए पुष्पा 2 से जुड़ी एक बेहद मसालेदार एक्सक्लूसिव खबर। वेल हेलो दोस्तों, पॉलीग्राफ स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे एक्टर अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि मूवी में रमशिका श्रीवल्ली का किरदार निभाती हुई मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में भी ऑडियंस को श्रीवल्ली का ये किरदार बेहद पसंद आया था और उनके इस किरदार पे बने गाने की पॉपुलैरिटी से तो हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेकेंड पार्ट में रमशिका के अलावा एक और एक्ट्रेस मचाने वाली है अपनी धमाकेदार एक्टिंग से तहलका। दरअसल मूवी के एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक्ट्रेस राजा ठी को सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इंद्राजा स्टेज नेम से फेमस हुई तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में काम करने वाली ये एक्ट्रेस अब पुष्पा दी रूल में एक बेहद अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये है कि इंद्राजा ने अब बड़े पर्दे को छोड़कर छोटी स्क्रीन की तरफ अपना रुख कर लिया है, यानी कि इंद्राजा अब टेलीविजन शोज में ज्यादा शौक रखती हैं। हाल ही में उन्हें टेलीविजन शो जबरदस्त में देखा गया था और आधी साउथ ऑडियंस तो उनका नाम तक नहीं जानती, फिर बॉलीवुड का तो क्या ही कहना। लेकिन फिर क्यों सुकुमार ने एक ऐसी एक्ट्रेस को इतनी बड़ी मूवी के लिए चुना है? कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि इंद्राजा को विलिंगली मूवी के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सुकुमार इस बार मूवी के जरिए न्यू अपकमिंग हिडन टैलेंट्स को भी मौका देना चाहते हैं। वो दोस्तों, बंदर की बात क्या है ये तो केवल सुकुमार ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि इंद्राजा मूवी में एक इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करके रमशिका को एक जोरदार टक्कर देने वाली है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।